सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस शहर का इतिहास दूसरी शताब्दी का है, जब इस क्षेत्र पर खास और अंधवरों का शासन था। ऐसी ऐतिहासिक जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा, तो देर किस बात की, पैक करिए अपने बैग को और आज ही निकल पड़िए इस हिमालयी जगह की खासियतों और आकर्षण को देखने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के बेहद बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल चंबा की। वैसे तो सारी पहाड़ी जगहें आपको घूमने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी, कोई ना कोई नजारा आपकी आंखों में बस जाएगा, लेकिन चंबा अपनी कई खासियतों के कारण हिल स्टेशनों में सबसे अलग माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई यह जगह एडवेंचर प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ के मंदिरों में सुनाई देने वाली घंटियों की आवाज बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश का छोटा सा शहर है चंबा और यह समुद्र तल से 1006 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह साल नदी के संगम पर और रावी नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 578.04 किलोमीटर है, लेकिन इस शहर में जैसे ही आप कदम रखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए। यहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि झरने, पहाड़, मंदिर, पार्क, संग्रहालय, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको बताऊंगी वो चंबा के कुछ जो फेमस स्थल हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगी। होप कि आपको यह व्लॉग अच्छा लगेगा। आपने पीछे जितने व्लॉग्स को मेरे प्यार दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। इतना समय देकर आपने वो सारे व्लॉग्स देखे हैं और बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, उसके लिए भी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, आज मैं आपको शेयर करवाऊंगी चंबा के कुछ पर्यटक स्थलों की। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट भेजिएगा। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप चंबा कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ पर कब आना चाहिए और यहाँ पर कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। तो चलिए व्लॉग में चलते हैं। चलिए बात करते हैं कि चंबा कैसे पहुंचा जाए। चंबा आप बाय एयर, बाय रेल और सड़क मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। बाय एयर अगर आप आना चाहते हैं तो चंबा से पठानकोट आपको हवाई अड्डा निकटतम पड़ेगा, जिसकी चंबा से दूरी 120 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त अगर आप बाय रेल आना चाहें तो भी आपको जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो पठानकोट ही पड़ेगा। नई दिल्ली से पठानकोट की नियमित रेलवे सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग से अगर आप आ रहे हैं तो पूरे देश से सड़क मार्ग द्वारा आप चंबा पहुंच सकते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सभी जगह से यहां पर बसें चलती हैं, लग्जरी बसें भी चलती हैं और हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाएं अगर आप ले रहे हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप टैक्सी से यहां आ रहे हैं तो होटल और टैक्सी के बीच जो है किराया वो निश्चित कर लें। ये किराया मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। कौन सा महीना यहाँ आने के लिए अच्छा रहेगा, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, मार्च से लेकर आप जून तक कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। केवल बरसात के मौसम में आने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत असुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर कोई बर्फ के शौकीन है तो वह दिसंबर में भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ और मुस्तैदी के साथ आइए, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस से भी कम जा सकता है। तो गर्म कपड़े बहुत तादाद में लाना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। नंबर 10 पर आती है चमेरा झील। डलहौजी के पास चंबा जिले में सबसे खूबसूरत और समृद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने आकर्षण से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। आपको बता दें कि चमेरा झील डलहौजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर
स्थित है, जो वास्तव में चमेरा बांध द्वारा निर्मित एक जलाशय है। चमेरा झील हिमाचल प्रदेश का यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां की यात्रा पर्यटकों को बेहद पसंद आती है। चमेरा झील यहां के ग्रामीणों के लिए पानी की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है। इस झील में पानी की आपूर्ति रावी नदी द्वारा की जाती है। यह एक कृत्रिम झील है जो सुंदर हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है। यह झील विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स जैसे नाव की सवारी और मछली पकड़ने के अवसर भी प्रदान करती है। यह झील चमेरा पन बिजली परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जिसे की रावी नदी पर ही बनाया गया है। यह झील समुद्र तल से 763 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आसानी से हम पहुंच सकते हैं। यह झील डलहौजी के बाजार से 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप चंबा की यात्रा पर हैं, तो आपको इस झील को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की। भारत में कई ऐसी झीलें हैं जिनका होना भारत किसी चमत्कार से कम नहीं है, जैसे कि स्पीति वैली में मौजूद चंद्रताल और एक और झील जो रूपकुंड के नाम से जानी जाती है, जहां पर कंकालों की झील भी उसे कहते हैं। ये दोनों झीलें हिमालय में हैं, लेकिन इसके अलावा एक और झील है मणिमहेश, जिसे शिव के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ही है वो झील जिसे हम शिव के आभूषण के नाम से भी जानते हैं, मणिमहेश। यह समुद्र तल से लगभग 4000 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमाचल के चंबा जिले में मौजूद है। शिव के आभूषण के नाम से यह झील जानी जाती है। यह झील मानसरोवर की झील के समान ही महत्व रखती है। यहां तक पहुंचने के लिए सैलानियों और तीर्थयात्रियों को लगभग 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी पड़ती है। बर्फबारी के चलते यह झील अधिकांशतः बंद ही रहती है। अगर कहानियों की बात करें, तो यह माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने के बाद इस झील का निर्माण किया था। एक अन्य कहानी यह कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वर्ग स्थान यही हुआ करता था। एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि शिव की तपस्या से जोड़कर यह झील देखी जाती है। यह झील जो चांद की झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मणि महेश का शाब्दिक अर्थ शिव का आभूषण होता है, इसीलिए इस झील को शिव के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मणिमहेश की यात्रा साल में एक बार होती है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण इस झील पर आते हैं और यहां पर अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इस झील में डुबकी लगाने से आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह यात्रा जन्माष्टमी से राधा अष्टमी के बीच लगभग 15 दिनों की होती है। इस यात्रा की शुरुआत चंबा में मौजूद लक्ष्मी नारायण मंदिर से होकर मणिमहेश झील पर आकर खत्म होती है। मेरी लिस्ट में अगला नंबर है 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मन द्वारा निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर का। यह मंदिर चंबा के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो कि अपने ऐतिहासिक महत्व और वास्तु शिल्प के लिए जाना जाता है। मंदिर में बहुत सारे और भी मंदिर हैं। यह चंबा का मुख्य मंदिर माना जाता है। यह एक महान वास्तुशिल्प और चमत्कार का स्थान भी है। इसमें मंडप जैसी संरचना है। पूरे क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक एक पंक्ति में 6 मंदिर शामिल हैं, जो कि भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जो यहाँ पर दुर्लभ संगमरमर की मूर्ति है भगवान विष्णु जी की, वह विंध्याचल पर्वत से आयात किया गया था। इस क्षेत्र के पूर्व राजा साहिल वर्मन ने संगमरमर पाने के लिए अपने 8 बेटों की बलि दी थी, ऐसा भी कहते हैं। उनके सबसे बड़े बेटे युगांकर को संगमरमर हासिल करने में सफलता मिली और उन पर भी लुटेरों ने आक्रमण किया, लेकिन संत की वजह से उन्होंने खुद को लुटेरों से बचाया। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है।
लिस्ट में अगला नंबर आता है चामुंडा देवी मंदिर का। यह मंदिर शाह मंदार पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है और पर्यटक इस मंदिर से चंबा शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण राजा उमेद सिंह ने वर्ष 1762 में करवाया था। पाटीदार और लाहला के जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना है। इसकी छतें विशाल हैं और बानेर नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है, जिन्हें युद्ध की देवी के रूप में भी जाना जाता है। चामुंडा मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि चंबा नगर बसने से पहले ही यह मंदिर विद्यमान था। वर्तमान में मंदिर में जो था मूल मंदिर के नष्ट होने के बाद बनाया गया है। सारा चंबा शहर माँ चामुंडा के चरणों में बसा हुआ है। मंदिर के भित्ति चित्र और कास्ट कला का अद्भुत उदाहरण है। चामुंडा मंदिर पंगोड़ा शैली में बना हुआ है और यह चंबा के बाकी मंदिरों से काफी अलग बना हुआ है। ध्वस्त हो जाने के बाद इसका निर्माण दोबारा करवाया गया है, जो कि इसका गर्भगृह ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसका मंडप खुला हुआ है और निर्माण में स्लेटी के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर पीतल की पर घंटियों को बांधा गया है। बात करते हैं नंबर 6 पर, जो कि है चंबा का चौगान। यह है चंबा के बीचों बीच स्थित सभी पर्यटक गतिविधियों का केंद्र है। बुलंद पहाड़ों की चोटियों और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित यह विशाल घास का मैदान इस शहर में सबसे जीवंत स्थान है। चौगान चंबा में आयोजित सभी प्रमुख मनोरंजक गतिविधियों और महत्वपूर्ण समारोहों की मेजबानी करता है। यहाँ एक चहल पहल भरा बाजार भी है, जो स्थानीय हस्तशिल्प, लकड़ी और धातु की कलाकृतियों, चमड़े की वस्तुओं से लेकर चंबा के प्रसिद्ध कढ़ाई वाले चंबा के रुमाल और चंबा की चुक यानी कि चंबा के मिर्च का अचार, सब कुछ बेचने वालों की छोटी और बड़ी दुकानों से भरा पड़ा है। हर साल 7 दिन तक चलने वाले मिंजर मेले के दौरान यह स्थान एक सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर से लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। चौगान स्थानीय लोगों के लिए गर्मियों के मौसम के लिए एक पिकनिक स्थल के रूप में भी लोकप्रिय रहा है। यह चौगान एक समतल मैदान है। प्राचीन समय में इसका निर्माण ब्रिटिश अधिकारियों के खेलने के लिए करवाया गया था। यह लगभग 80 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस मैदान का प्रयोग राज्य स्तरीय खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। नंबर 5 पर बात करते हैं कालाटोप खजियार अभयारण्य की, जिसे कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। जैसे कि इसका नाम ही बताता है, कालाटोप अर्थात काली टोपी, जो संभवतः अभयारण्य में सबसे ऊंची पहाड़ी पर घने काले वन को बताता है। कालाटोप में भर भर के वनस्पति और बहुत सुंदर सुंदर जीव हैं और यह पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यह अभयारण्य उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। अगर आप अपनी यात्रा को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ हरियाली के बीच पिकनिक मना सकते हैं। जब भी आप डलहौजी के पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए जाएं, तो इस अभयारण्य को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा। और जो भी पर्यटक यहाँ की एक बार यात्रा करता है, वह इस यात्रा को जीवन भर याद रखता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको चंबा के 5 पर्यटक स्थलों की जानकारी दी है। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आने वाले आगे के पार्ट में हम 4 से लेके 1 तक के जो चंबा के पर्यटक स्थल हैं, उनके बारे में बताएंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, तो इस व्लॉग को एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं चंबा के ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट
और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे इजाजत चाहती है। बाय बाय दोस्तों।